मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नायर पुत्र याकूब माननीय मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत राजेंद्र पुत्र लल्लू राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संजू देवी पूरे जनपद में का समूह जिनको सीसीएल नहीं प्राप्त हुआ है उनको सीसीएल की धनराशि एक चेक द्वारा सम्मिलित रूप में प्रदान की जा रही है संजू देवी। तत्पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कामिनी देवी पीएम किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत ज्योति तुलस्यान पीएम किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत राम सेवक पुत्र गिरधारी आप सब जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सुशीला देवी पत्नी रमेश चंद ओडीओपी टूल किट्स दिए जाने वाली सरिता पुत्री जीवन लाल टूल किट्स प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र एवं टूल किट का वितरण कुमारी सरिता पुत्री जीवन लाल और अमरनाथ पुत्र राम नरेश ओडीओपी टूल किट्स एक बार 100 बार तालियां होनी चाहिए इन सुखद क्षणों को बहुमूल्य और सुंदर शोभायमान करने के लिए। आज विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ लोकार्पण शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से होगा। साथ ही साथ स्वर्गीय सुखद राज सिंह क्षत्रिय भवन एवं छात्रावास का शिलान्यास और स्वर्गीय राजा रुदेन्द्र विक्रम सिंह पूर्व विधायक कैसरगंज की केवी इंटर कॉलेज प्रयागपुर के स्थापित मूर्ति का अनावरण और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। माननीय से निवेदन करूंगी कि कृपया बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण होना है उनकी लागत 70 करोड़ और जिनका शिलान्यास होना है उनकी 64 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। जोरदार तालियां विकास के लिए इन विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के लिए लोकार्पण के लिए तालियों का ये सिलसिला होना चाहिए। मित्रों लगातार ये तालियां है जो प्रदेश विकास की ओर लगातार शीघ्रता से अग्रसर हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयास से आशीर्वाद से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। साफ नियत सकारात्मक सोच स्पष्ट नीति प्रतिबद्धता पूर्ण पारदर्शी कार्यनीति से उत्तर प्रदेश को नई पहचान और ऊंचाइयां प्रदान कर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले हम सब के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके जीवन का हर पल हर क्षण प्रदेश के विकास को संकल्पित और समर्पित है उनसे बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करेंगे कि आज के इस ऐतिहासिक स्वर्णिम दिवस में एक बार पुनः हमारा मार्गदर्शन करें अपने आशीर्वादों से हमें अभिषेक करें। देव सरोमणि महाप्रताप की मूर्ति के लोकार्पण लगभग 70 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और 264 करोड़ रुपए
की परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ ही प्रयागपुर के राजा महाराज रुद्रेंद्र विक्रम सिंह जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के लिए आज विशेष रूप से आयोजित आज के समारोह में मेरे साथ यहां मंच पर उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद बहराइच के प्रभारी मंत्री संजीव राजभर जी, प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा दे रहे मेरी सरकार में ही सहयोगी मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री छेवरलाल गौड़ जी, माननीय विधायकगण श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती माधुरी वर्मा जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री श्यामकरण केकरवाल जी, पूर्व विधायक श्रीमती नीलम सिंह जी, राजा प्रयागपुर श्री जयंत विक्रम सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में बहराइच से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, कल होली का दहन है और परसों होली का उत्सव का कार्यक्रम है। होली के ठीक एक दिन पहले मुझे बहराइच जनपद में आने का आप सब ने अवसर दिया है। मैं इसके लिए आयोजकों समेत बहराइच की जनता से अभिनंदन करता हूं। आप सबको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी हम लोग 15 फरवरी को बहराइच आए थे और बहराइच में मैं स्वयं यहां पर उपस्थित था और दिल्ली से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस देश में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक के कार्य का यहां पर शिलान्यास संपन्न किया था। इससे पहले मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था जब बहराइच को एक मेडिकल कॉलेज यहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर उपलब्ध कराया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोगों ने बहराइच के मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का नामकरण पाला कृषि के नाम पर और मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर रख करके अपने पूर्वजों का पूर्ण स्मरण किया, जिनके कारण आज हम सब सुरक्षित हैं और स्वाधीनता के इस माहौल में उन्मुक्त माहौल में अपने पर्व और त्योहारों को, अपनी परंपरा, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के योग्य हैं। अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव किसी भी समाज को हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर करके समृद्धि की ओर अग्रसर करता है और यही भाव आज बहराइच एक बार फिर से दोहरा रहा है। 15 फरवरी को भी हम आए थे तो महाराज सुहेलदेव के शौर्य और गाथा को न केवल यहां पर हम लोगों के द्वारा बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी लगभग 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने बहराइच की धरती को स्वर और प्रारंभ का इतिहास रचा था। 1000 वर्षों के बाद भी वर्तमान पीढ़ी उसी मुक्त कंठ से अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए गौरव की अनुभूति महसूस कर रही है और भाइयों बहनों आज यही कार्य एक बार फिर से बहराइच की धरती पर माणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर हम
काल का कालखंड था जब देश और धर्म दोनों खतरे में थे। देश की स्वाधीनता पर पत्थर खतरे के बादल पूरी तरह मंडरा चुके थे। विदेशी आक्रांता भारत के धर्म और संस्कृति के साथ साथ भारत की स्वाधीनता को रोकने के लिए नहीं दे रहे थे। उस कालखंड में महाराणा प्रताप ने राजस्थान की धरती से भारत की स्वाधीनता के उस अमर यज्ञ में जो आहुति दी, आज उसके प्रति कृतज्ञता हर भारतवासी करता है। और ठीक कहा यहां पर श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी ने कि आज भी हर भारतीय परिवार जब भी अपने पुत्र को आशीष देता है तो यही कहता है कि तुम महाराणा प्रताप की तरह बनो, छत्रपति शिवाजी की तरह बनो, गुरु गोविंद सिंह की तरह बनो। यानी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण का यह भाव युगो युगों तक व्यक्ति को जीवित बना देता है, अमर बना देता है। और यह जीवंतता हम सबको आज फिर एक बार बहराइच की धरती पर देखने को मिलता है। यह मेरा सौभाग्य है कि बहराइच में मुझे बार बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, अतीत के जिस कालखंड में बहराइच के आपके पूर्वजों ने यह लड़ाई लड़ी थी, वह लड़ाई उस कालखंड में थी जो पूरे देश की चेतना को झकझोरने वाली थी, चेतना को जागृत करने वाली थी। बहराइच की 1000 वर्ष पूर्व उस लड़ाई को अगर पूरे देश ने समझने का प्रयास किया होता तो मुगल आक्रांता देश के अंदर कहीं पैर रखने का ही जो साहस नहीं कर पाता, नहीं कर पाते। और महाराज सुहेलदेव का तो जो त्याग और बलिदान था वो उसी बात को लेकर के था। उन्होंने सालार मसूद को पूरी सेना के साथ संहार किया था। लगभग 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था, जबकि भारत की जवानी बोलती है और मातृभूमि की रक्षा के लिए अगुवाई लेती है तो देश के दुश्मन ऐसे ही मौन होते हैं जो सौर्य पराक्रम 1000 वर्ष पहले इस धरती ने दिखाया था। और आज मैं धन्यवाद दूंगा कि हम सौर्य पराक्रम की इसी गाथा को आगे बढ़ाते हुए मैंने कोई स्थल ऐसा नहीं देखा है कि जहां पर लगभग 1.5 महीने के अंतराल में दो ऐसे राष्ट्रीय महापुरुषों के स्मारक और उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करने के कार्यक्रम एक घंटे में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और साथ साथ यहां पर दो ही क्यों, हमने तो आज यहां पर प्रयागपुर के राजा पूर्व विधायक स्वर्गीय राजा रुद्रेंद्र विक्रम सिंह जी की प्रतिमा का भी अर्थ हम यहां पर विमोचन किए हैं। उस कालखंड में भले ही भारत एक राजनीति का ही रहा हो लेकिन राजे रजवाड़ों ने मिलकर के भारत की स्वाधीनता के लिए, उसे चुने बनाए रखने के लिए जब भी अंग्राई भी एकजुट होकर के उस लड़ाई को आगे बढ़ाया, विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने और उन्हें युद्ध के मैदान में विदेशी आक्रांताओं को भागने के लिए मजबूर जरूर होना पड़ा है। भारत की यही तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। हमने हर एक गलती के परिमार्जन का भी अवसर दिया, उसके परिष्कार का भी अवसर दिया और जब भी आवश्यकता पड़ी है तो समाज को एक नई चेतना के साथ फिर से खड़े होते हुए पाया है। कौन सा ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में भारतीय मानस ने अपनी चेतना को जागृत रहते हुए भारत की स्वाधीनता के लिए निरंतर संघर्ष न किया हो? उत्तर से दक्षिण
दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, राजमहल से लेकर के वनवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले उन लोगों के बीच में भी आप जाइए। झारखंड में अगर आप जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा के त्याग और बलिदान की कहानी कुछ नई ही रूप में हमें संदेश देती है। आप सुदूर नागालैंड में जाइए, नागालैंड ने देश की स्वाधीनता के लिए उस कालखंड में वहां की रानी ने जो योगदान दिया था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे ही आप देश के अंदर जाइए, आप अभी पिछले दिनों में झांसी के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। झांसी के अंदर 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में रानी लक्ष्मीबाई ने देश की स्वाधीनता की कमान अपने हाथों में लेकर के जो लड़ाई देश के प्रथम स्वतंत्र समर की लड़ी थी, अवंतीबाई ने, झलकारीबाई ने, उदादेवी ने जो एक संघर्ष किया था, ये गौरव गाथा आज भी हम सबको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। और मैं बहराइच वासियों को बधाई देता हूं कि उन गौरव गाथा को एक निरंतरता बनाए हुए है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं प्रयागपुर में जाकर के स्वर्गीय राजा रुद्रेंद्र विक्रम सिंह जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में वहीं पर भाग लूं, लेकिन आप राजनीतिक व्यस्तता के कार्यक्रमों को देख सकते हैं और होली के कार्यक्रमों के कारण भी स्वाभाविक रूप से कल कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो भी नहीं पाएगा। और ये कार्यक्रम पूर्व निश्चित था, इसमें एक साथ इसमें कार्यक्रम हो रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच के चित्तौड़ नामक स्थान पर, जहां पर महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया है, चित्तौड़ नामक स्थानीय है जहां पर विदेशी आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब देते हुए महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उन विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने का काम किया था, उनका संहार किया था, वो चित्तौड़ा की ही भूमि है। और चित्तौड़ा की वो भूमि महाराज प्रयागपुर में ही प्रदेश सरकार को ट्रस्ट, महाराज सुहेलदेव के नाम पर ट्रस्ट बनाने के लिए उपलब्ध कराई है। इसलिए मैं महाराज प्रयागपुर को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा उनके पूर्वजों की भूमि पर हम महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक का निर्माण कार्य कर रहे हैं। और यह स्मारक भारतीय जनमानस को एक लंबे कालखंड तक मातृभूमि की रक्षा के लिए निरंतर प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। यह आज के दिन पर मैं आप सबसे इस स्मारक के माध्यम से प्रेरणा हमें निरंतर प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, आज यहां पर अनेक प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहा है। इसमें पेयजल की स्कीम भी है, बाढ़ बचाव से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं। यहां पर अन्य एक सामान्य नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिन प्रकार की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं, उनसे जुड़ी हुई सभी परियोजनाएं आज यहां पर लोकार्पित भी हो रही हैं, उनका शिलान्यास भी हो रहा है। हम सब जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितना बड़ा कार्य देश के अंदर हुआ। और बहराइच तो उन जनपदों में है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, आकांक्षात्मक जनपद, जिसमें नीति आयोग प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में नीति आयोग के द्वारा बनाए गए जो 6 पैरामीटर हैं, जिसमें बहराइच जनपद पिछड़ गया था। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, कि जिन्होंने मिलकर के इस आकांक्षात्मक जनपद को तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ा करके विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में, बाढ़ बचाव और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के क्षेत्र में जो प्रगति पिछले 3-4 वर्षों के दौरान बहराइच के अंदर हुआ है, यह अभूतपूर्व है और वह आज देखने को मिल सकता है। आकांक्षात्मक जनपद से सामान्य जनपद
स्थापित करना कि बहराइच को, श्रावस्ती को, बलरामपुर को, सितारनगर को, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट, ये 8 वाराणसी के जनपद हैं, इन्हें भी पहले सामान्य जनपद के रूप में माना और फिर सामान्य से विकसित जनपद के रूप में स्थापित करना, इस दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य प्रारंभ हुए हैं। भारत सरकार के सहयोग से सभी कार्य योजनाएं आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें बहराइच ने भी अच्छी जंप लगाई है, जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि बहराइच की राह बहुत आसान हो रही है। और आकांक्षा जनपद से सामान्य जनपद में लाने के लिए ही प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के वे कार्य योजनाएं आगे बढ़ाई हैं। इन कार्य योजनाओं में चाहे स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब परिवार को शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हो, चाहे वहां जिन लोगों के पास मकान नहीं उन्हें मकान उपलब्ध करवा करके प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध करवाने का कार्य हो। आपको याद, आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने 4 वर्ष में अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 40 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई। चाहे विद्युतीकरण का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का हो, आज भी बहुत सारी विद्युत से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। आजादी के बाद उन तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी, वहां तक विद्युत पहुंचाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। फिर में कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है। खेती के लिए सिंचाई की योजनाओं को आगे बढ़ाने और जहां सिंचाई के लिए नहरें पहुंच चुकी हैं वहां पर ड्रिप इरिगेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों पर खेती तक जल की आप सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा सके। जल जीवन मिशन में हरेक परिवार पर नल की सुविधा, पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य, ये पाइप पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य इतना बड़ा कार्य है। याद करना कि बीमारी की आधी जड़ है अशुद्ध जल और बहराइच नेपाल की तराई का जनपद है। गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, कमिश्नरी, ये जितने भी नेपाल की तराई से जुड़े हुए जनपद हैं, तमाम संचारी रोगों से ग्रसित होते हैं बरसात के समय। उसमें दिमागी बुखार भी है। दिमागी बुखार से प्रतिवर्ष इन सभी क्षेत्रों में हजारों बच्चों की मौतें होती है। दिमागी बुखार का कारण क्या है? गंदगी है और अशुद्ध पेयजल है। स्वच्छ भारत मिशन ने खुले में शौच से रोकना और हर घर को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करवा देना, यानी हर एक व्यक्ति को अगर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो जाए तो भाइयों बहनों बीमारी आधी से भी समाप्त हो जाएगी। और हम लोगों ने सफलता प्राप्त, दिमागी बुखार को 75% रोग ने 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में जो सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है, इसमें स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति इसके दो प्रमुख कारण रहे हैं। और मैं आह्वान करूंगा अभी से तैयारियां चलनी चाहिए, गांव गांव में प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के लिए जल जीवन मिशन में कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए एक मोबाइल फोन आपके लिए जितना उपयोगी है उतना ही उपयोगी शुद्ध पेयजल भी है, और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए घर घर हर घर नल की योजना को अपने गांव में भी माना और फिर हर घर के द्वारा कनेक्शन लेना, यह कार्य होना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपका आह्वान करूंगा, अनेक योजनाएं चल रही है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमारी सरकार ने तय किया कि जितने लोग आयुष्मान भारत से आच्छादित हैं उन लोगों को तो गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन साथ साथ जो लोग अभी भी इन योजनाओं से वंचित हैं या जो वर्ग नहीं बना पाए हैं, हर प्राथमिक स्वास्थ्य
और प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य पोषण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य सरकार करेगी। और भाइयों बहनों, सरकार ने यह भी तय किया है, जो किसान, जो महिलाएं, जो मजदूर, चाहे वह निवासी हो, प्रवासी हो, आयुष्मान भारत से छूट गए हो, उनका रजिस्ट्रेशन करके उन्हें 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। कितना बड़ा कार्य हो रहा है। पहले लोग बीमार होते थे तो बीमारी को मान करके नियति मान लेते थे कि अब उपचार पैसा नहीं है तो बीमार व्यक्ति को छोड़ दो मरने के लिए। बहुत सारे लोगों के सामने असहाय से ऐसी स्थिति हो जाती थी। आज तो हम लोग हर महीने, यानी मैं पिछले 4 वर्षों में जिस भी गरीब परिवार में किसी जनप्रतिनिधि ने किसी ने आवेदन भी किया कि वो बीमार है, उसको उपचार के लिए पैसा चाहिए, हमने जिलाधिकारी से इसे प्रमाणित करवा करके जो भी कागज मेरे पास आए हैं, ऐसे लगभग 900 करोड़ रुपए उन गरीब परिवारों के उपचार में खर्च किए हैं जिनके पास कोई देखभाल करने वाला नहीं। परिवार को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा इस स्वास्थ्य बीमा की कवर के साथ आप सभी जुड़े, हर गरीब परिवार को जुड़े, उसके कार्ड में शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं और व्यापक पैमाने पर बनाए जाने चाहिए। इन पैनल हॉस्पिटल में आप जाएंगे, कार्ड को जो जमा करेंगे उस आधार पर सारी स्वास्थ्य सुविधा आपको फ्री में वहां मिलती दिखाई देगी। एक बड़ा कार्य इस अभियान के साथ जुड़ने की है और उस अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की है। गांव-गांव में हमें नागरिकों को जागरूक करना पड़ेगा और इसमें खासतौर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, महिला सामर्थ्य नाम की घोषणा हम लोगों ने प्रारंभ की, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती है। जैसे झांसी में बलेरी मिल्क प्रोड्यूसर ने किया, बलेरी मिल्क प्रोड्यूसर है, महिलाओं का समूह है, उन्होंने वहां पर महिलाओं के समूह को दुग्ध उत्पादन के साथ जोड़ करके वहां पर वे गांव-गांव में घर घर से गाय और भैंस का दूध एकत्र करती हैं और फिर उसे डेयरी तक उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं। एक वर्ष में बलेरी मिल्क प्रोड्यूसर ने 46 करोड़ का टर्नओवर किया है, व्यवसाय किया है 46 करोड़ का और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। यह कार्य बहराई से जुड़ी हुई महिला स्वयंसेवी समूह भी इस प्रकार का कार्य कर सकती है। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होंगी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा सकते हैं और मैं आह्वान करूंगा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके हम योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आकांक्षात्मक जनपद बहराइच विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके, इसलिए बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में प्रधानमंत्री जी के कल्पनों से हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव यहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और लोकार्पण का कार्य हम संपन्न कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का एक केंद्र होता है। धीरे धीरे करके वहां पर जब विशेषज्ञ चिकित्सक और इससे जुड़े हुए विशेषज्ञ वहां पर आएंगे, आप देखेंगे कि बहराइच और आसपास के जनपद के लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए लखनऊ, दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आसपास के जनपद के लोग आपके बहराइच में आएंगे। और बेलपाटन कमिश्नरी जो इस दिशा में बड़ी समृद्धशाली है, इस कमिश्नरी के 4 जनपद हैं और 4 जनपदों में 3 मेडिकल कॉलेज हम दे रहे हैं। बहराइच में मेडिकल कॉलेज बंद करके तैयार हो चुका है, बलरामपुर में और गोंडा में भी हम लोग मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। अन्य कमिश्नरी ने कहीं नहीं होगा कि 4 जनपदों में 3 में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और कोई क्या आज से 5 साल पहले कल्पना भी करता था कि बहराइच में भी मेडिकल कॉलेज होगा या गोंडा में भी मेडिकल कॉलेज होगा या बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज होगा, कोई कल्पना नहीं करता था। एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास। ये जो परियोजनाएं हैं, कहीं सड़क की, कहीं पेयजल की, कहीं शौचालयों के निर्माण की, घर घर शौचालय बनाने के बाद
हर ग्राम पंचायत में एक एक सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है। सामुदायिक शौचालय में देखभाल की व्यवस्था गांव की एक महिला को सौंपा जा रहा है और उस महिला को 6,000 रुपए हर महीने देने का काम भी हम लोग ग्राम पंचायत निधि से उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विकास की योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो यह आज की आवश्यकता है। हम सब इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, समाज में हर चेहरे पर खुशहाली होगी तो समाज में खुशहाली होगी। हर बच्चा स्वस्थ होगा तो परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा और स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र ही एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार कर सकता है। आप सब होली एक दिन पहले इतने बड़े भव्य कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। मैं महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं महाराणा सुहेलदेव को कोटि कोटि नमन करता हूं। राजा उपेंद्र विक्रम सिंह जी की मूर्ति के रावण के अवसर पर मैं नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबको होली की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देते हुए यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विकास कार्यों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके बहराई को आकांक्षात्मक जनपद से एक विकसित जनपद की ओर अग्रसर करने का जो अग्रत प्रयास उन्होंने किया है आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। उस परिणाम के लिए बधाई देते हुए आप सबको एक बार फिर से होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।